हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड करंट अफेयर 2022 और 23 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं सभी से रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा बी, अजय बांगा। इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड मलपास को। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट है इंद्रमित गिल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा डी, बीवीआर सुब्रमण्यम को। नीति आयोग की बात करें तो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा बी, नील मोहन। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएस में। स्थापना कब हुआ था? 14 फरवरी 2005 में। फाउंडर्स कौन हैं? चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये तीन लोग हैं यूट्यूब के फाउंडर। ऑनर कौन है? गूगल। सीपी राधा कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट, सीपी राधा कृष्णा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सी, झारखंड। फरवरी 2023 में 13 नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं, 12 स्टेट के लिए और एक यूनियन टेरिटरी के लिए। तो सभी लिस्ट को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहला नाम देखिए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये न्यू गवर्नर बने हैं सिक्किम के। गुलाब चांद कटारिया आसाम, सायद अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के बने हैं, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के। कैलब त्रिविक्रम परनायक, इन्हें केटी परनायक भी कहते हैं शॉर्ट में, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। फागु चौहान मेघालय के बने हैं। रमेश वेस महाराष्ट्र। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़। ला गणेशन नागालैंड के बने हैं। अनुसुईया युवेकी मणिपुर की नई गवर्नर बनी हैं। राजेंद्र अरलेकर बिहार के बने हैं। और लास्ट है बीडी मिश्रा, ये बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। तो सभी नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा डी, आयुष्मान खुराना को। नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स, इसे अपॉइंट किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ की बात करें तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर हेड कौन है? कैथरीन एम रशेल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और सीजीए, तो सीजीए बने हैं नए एसएस दुबे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ओईसीडी, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा बी, क्लेरे लोम्बर डेली। Who has been appointed as Chief Scientist of WHO, World Health Organization के मुख्य वैज्ञानिक,
किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा बी, जेरमी फरार को। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बी, मनोज सोनी। फुल फॉर्म है यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हु हैज बिकम द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा डी, आर वेंकटरमानी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIH? FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ए, तैयब इकरम को। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, फाउंडेड 1924, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सी, मल्लिकार्जुन खारगे। मल्लिकार्जुन जो है ये कर्नाटका से हैं और ये बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट। मल्लिकार्जुन ने रिप्लेस किया है सोनिया गांधी को। NIC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्थापना हुआ था 1885 में, किसके द्वारा? AO ह्यूमे के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? INC के WC बनर्जी। हु इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आपने आंसर देख ही लिया है, DY चंद्रचूड़। ये बने हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आंसर होगा UU ललित। हु बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेजेंट एंड 15th प्रेसिडेंट हैं। ये पहली ट्राइबल यानी कि पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, जो ओडिशा से बिलोंग करती हैं। इंडिया के पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थे ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू दूसरी प्रेसिडेंट बनी है फीमेल इंडिया के, तो ये आपको याद रखना है। हु इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 14th नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आंसर है ए, जगदीप धांकड़। जगदीप धांकड़ जो है ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। हु हैज बिकम द सेकेंड CDS ऑफ इंडिया? भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो सही आंसर है ए, अनिल चौहान। हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? आंसर होगा डी, पियारे ओलिवियर गौरीचास। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है सी, KV साजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी इस्टाब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ DRDO? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर इज ए, समीर भी कामत। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। हु हैज बिकम द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सी, एस सोमनाथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। किसके द्वारा? फाउंडर कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई।
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसरो की? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा बी, राजीव कुमार को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ए, अनिल कुमार लाहोटी को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी? गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन बने हैं? किसे बनाया गया है पहला चांसलर? तो आंसर क्या होगा? सी, अश्विनी वैष्णव को। अश्विनी वैष्णव जो है ये कौन है? रेलवे मिनिस्टर है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ लोकेटेड है? गुजरात के वडोदरा में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ए, रुचिरा कंबोज को। हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा? नए G20 शेरपा कौन बने हैं? तो सही आंसर है ए, अमिताभ कांत। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ C20? C20 के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, माता अमृतानंद मई को। C20 की फुल फॉर्म है सिविल 20। ये एक ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर है डी, माधुरी पुरी बुच। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। पहले चेयरमैन कौन बने थे सेबी के? जी वी रामाकृष्णा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है डी, इंद्रमित गिल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI? NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है डी, संतोष कुमार यादव को। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फाउंडेड 1995। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा बी, रोगर विनी। तो यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं BCCI से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना किया गया था 19 सितंबर 1928 में। BCCI के सेक्रेटरी कौन है? जयसा। CEO कौन है? हेमंग आमीन। प्रेसिडेंट कौन है? रोगर विनी। ये 36 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, 36 नंबर के। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। मेंस कोच के हेड कौन है? राहुल द्रविड़। विमेंस कोच है रमेश पोवर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ नालसा? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है डी, DY चंद्रचूड। नालसा फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 1995 में। अच्छा, नालसा का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन के लोग आते हैं उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना नालसा का पर्पस है, एम है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF? तो आंसर है बी, कल्याण चौबे। ये बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए
प्रेसिडेंट, जिसका स्थापना हुआ है 1937 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हूँ अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सी, अरुण गोयल को। हू हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ संसद टीवी, संसद टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? उत्पाल कुमार सिंह को। तो आंसर सी सही है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI? आंसर होगा बी, गंजी कमला भी राव। ये बने हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है और स्थापना हुआ था 2008 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा डी, AK सूद को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन बने थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ TTFI? TTFI की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? TTFI का फुल फॉर्म होता है टेबल टेरिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है मेघना अहलावत। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या होगा सी, सुजोय लाल थाउसेन को। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होती है, फाउंडेड 1939 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? तो आंसर क्या होगा सी, MV सुचिंद्रा कुमार। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह, ए इज करेक्ट। तो आज हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।